आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम सब परमेश्वर से अनुग्रह के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर इसी प्रकार से मसीह कलीसिया में और आज के विषय के अनुसार जो कि कोरोना वायरस इस प्रकार से जो कि फैल रहा है और विशेष तौर से मुख्य रूप में इस बात को हम प्रार्थना में रखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह संसार जगत और इस भारत देश के ऊपर और लोगों के मध्य में आशीष के रूप में बनने पाए। सो आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीवन अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता। जीवन आपने दिया है पिता परमेश्वर, और उस आशा के रूप में हम बड़े विश्वास में रखते हैं और कहते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, आपके उस आशीष के लिए पिता परमेश्वर जो कि आपने हमारे ठहराया है, ताकि पिता परमेश्वर हम सब पुनः एक बार फिर से मसीह कलीसिया, मसीह जगत के लोग या विश्वासी लोग जहाँ जहाँ जिस जिस कोने में पिता परमेश्वर तेरे नाम की प्रार्थना करते हैं, तेरे नाम का प्रचार करते हैं, तेरे नाम के सामर्थ्य को ठहराते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रार्थना में ही हम नए जीवन को प्राप्त करने पाते हैं। प्रार्थना हमें विजय बनाती है पिता परमेश्वर, और मुख्य रूप से हम इस कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि होने पिता आपने बड़े अनुग्रह के द्वारा जो मनुष्य को जीवन दिया है पिता परमेश्वर, वो विश्वास योग्य जीवन दिया है और वो विश्वास जो है वो केवल मसीह यीशु में होना चाहिए, इस बात को हम प्रार्थना में रखते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस से घबराए नहीं, चिंतित ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि हम मसीह के वचन के ऊपर आधार मानते हुए कहने पाए केवल प्रभु यीशु मसीह जो कि मुक्तिदाता उद्धार करता है। योहन्ना 3:16 हमें इसी बात के लिए पिता परमेश्वर प्रेरित करता है और पिता परमेश्वर ढाढ़स देता है, चाहे पिता परमेश्वर हम अपने अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर इस बात को हम प्रार्थनाओं में रखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है, मनुष्य जाति से प्रेम रखा, इस संसार से जीवन से प्रेम रखा, और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि ना केवल संसार ये जगत पिता परमेश्वर उद्धार पाए बल्कि संपूर्ण मानव जाति उद्धार पाने पाए। और जब पिता परमेश्वर मसीह का लहू जो कि बहाया गया है इस संसार के लिए पिता परमेश्वर, जगत के लिए, लोगों के लिए पिता परमेश्वर, केवल मसीह का लहू है जो कि हमें शुद्ध करता है। और पिता परमेश्वर हम इसी बात के लिए बड़े प्रार्थनाओं में रखते हैं और आते हैं तेरे समीप पिता परमेश्वर, और अपने निवेदनों को रखते हैं पिता परमेश्वर कि जो कोई भी लोग पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर वायरस से ग्रसित हैं, चाहे वो पिता परमेश्वर भारत देश में हो, चाहे वो भारत देश के बाहर हो पिता परमेश्वर, या बीमार हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर मृत्यु को प्राप्त किया है, आज भी तेरे पास पर पिता परमेश्वर हम हर एक के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि आपकी आत्मिक शांति पिता परमेश्वर जो तेरे पास में है उनके मध्य में वो आत्मिक शांति को बनाए रख। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो पीछे पिता परमेश्वर बचे हुए जो लोग हैं जो तकलीफ में हैं जो कि आते हैं पिता परमेश्वर, उनके मध्य में पिता आपके वचन की शांति प्रदान करें। अनुग्रह 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 केवल प्रभु यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा होने पाता है, इस बात को हम प्रार्थना में रखते हैं। प्रार्थना करते पिता ये विशेष प्रार्थना पिता परमेश्वर जब हर एक जगह जब चलाई जाती है पिता परमेश्वर, जब ये सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, केवल आपका सामर्थ्य वचन हमें इसमें पिता परमेश्वर निर्धा प्रदान करता है। पिता परमेश्वर हमें दे आपका सामर्थ्य वचन के अनुसार, आपके आशीष के अनुसार पिता हम नए जीवन को प्राप्त करने पाएँ, हम पुनः पिता परमेश्वर शैतान को हरा कर ये कहने पाएँ अब हे मृत्यु तेरा डंक अब नहीं रहा है, अब तेरा कोई भय नहीं है, बल्कि हमने मसीह में एक नया जीवन प्राप्त किया है। छू और स्पर्श कर पिता, हर एक को छू और स्पर्श कर, अपने आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में पूर्ण पिता परमेश्वर चंगाई भरे हाथों के माध्यम के द्वारा तू स्पर्श कर पिता। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, परमेश्वर हमारे लिए यहोवा राफा है, चंगाई का देने वाला परमेश्वर है, और हम इस बात को प्रार्थना में रखते हैं और बड़े विश्वास से कहते हैं। अपने अनुग्रह के द्वारा पिता इस प्रार्थना को पिता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनकर कबूल कीजिए इस प्रार्थना व्यक्ति को, आमीन।